मकसूदनगढ़ में घंटों तक अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा शव। शव के ऊपर रोते रहे मृतक के परिजन। नहीं मिली कोई मदद। दरअसल मामला मकसूदनगढ़ सरकारी अस्पताल का है। सरकारी अस्पताल लापरवाही के कारण हमेशा ही चर्चा में बना रहता है और ऐसा एक नजारा हमें एक बार फिर देखने को मिला। मकसूदनगढ़ सरकारी अस्पताल में यहाँ सूरज सिंह का बेटा दीवान सिंह अपने पिता को मकसूदनगढ़ सरकारी अस्पताल लेकर आया था सूरज सिंह का इलाज कराने के लिए। पर अचानक अस्पताल में ही दीवान सिंह के पिता सूरज सिंह को हार्ट अटैक आ गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह रही कि मकसूदनगढ़ सरकारी अस्पताल में शव ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया। शव अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे 2 घंटों तक पड़ा रहा और परिजन शव के ऊपर ही रोते रहे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मकसूदनगढ़ के सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने यह भी नहीं सोचा कि शव को भीतर रखवा दिया जाए जो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। जब मृतक सूरज सिंह के रिश्तेदार आए और तब जाकर 2 घंटे बाद प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था की गई। रिश्तेदारों ने फिर मृतक सूरज सिंह का शव अपने साथ रायपुर ले गए। इस पूरी घटना से एक बार फिर मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य केंद्र हमेशा से ही लापरवाही में चर्चाओं में बना रहता है। आखिर क्यों सूरज सिंह का शव 2 घंटे तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा? तस्वीरों में दिख रहा है कि एम्बुलेंस जो सरकारी अस्पताल में रखी हुई है वह क्यों सूरज सिंह की मदद के लिए आगे नहीं आई? अस्पताल में ड्यूटी पर लगे स्टाफ ने क्यों नहीं सोचा कि सूरज सिंह के शव को अस्पताल के भीतर रखवा दिया जाए? अगर अस्पताल में शव ले जाने के लिए वाहन नहीं है तो पुराने वाहन जो अस्पताल में रखे हुए हैं उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई जो शव लाने ले जाने के काम आ सकते हैं? ये सारे सवाल बहुत ही चौंकाने वाले हैं जो मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर सवालों के निशान खड़े करते हैं। इन सवालों का जवाब किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी के पास नहीं है। ये खत्म हुए, ये कौन है आपके? तो ये कैसे खत्म हुए? तकलीफ है साहब। तो क्या कोई गाड़ी वगैरह सुविधा मिली ना? कोई सहूलत नहीं मिल रही साहब। कब कब परेशान हो गए? मैंने कहा इसका क्यों नहीं? कितनी देर हो गई? 2 घंटा पड़े साहब। तो अस्पताल के बाहर ही डेड बॉडी पड़ी है। कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली साहब। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।